यदि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपका अगला क्वेश्चन है मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी इम्पोर्टेंट कि एक साल छोड़ के, एक साल या फिर यूँ कहें कि कई बार तो रेगुलर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि इतनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो बिना समय गमाए मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। देखो, लोक कला और लोक साहित्य किसी खास जगह अथवा भूमि को अपनी सांस्कृतिक पहचान देती है या किसी खास जगह की पहचान हो जाती है। आधुनिक कला में जिस कला ने मिथिला को एक अलग पहचान दी तथा इस क्षेत्र को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर विद्यमान किया, वह यहाँ की मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग या चित्रकारी है। मिथिलांचल में कोई भी पर्व, त्योहार, अनुष्ठान, समारोह में मधुबनी चित्रकारिता का प्रमुख और व्यापक स्थान रहा है। वर्षों से मिथिला की महिलाएं इस कला को अभिव्यक्त करती आ रही है, करती है। मिथिला शैली की जो चित्रकारी है ये कुछ ही समय के लिए बनाई जा सकती है। ये प्राकृतिक पर आधारित चित्र होती है क्योंकि भूमि पर या दीवार पर बनाए गए चित्र को अधिक समय तक सुरक्षित तो हम रख नहीं सकते हैं। और मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग भूमि यानी कि जमीन और दीवारों पर बनाई जाती थी। लेकिन 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 1970 के दशक में भास्कर कुलकर्णी ने इस चित्र या इस कला को सबसे पहले कागज पे और कपड़े पे उतारने पर जोरदार तरीके से सफल रहा। इस चित्रकला को कागज पे उतारा ही नहीं अपितु पूरे संसार में इसकी ख्वाति को जग जाहिर किया। दोस्तों, इस चित्रकला से संबंधित प्रदर्शनी यानी कि एग्जीबिशन दिल्ली में आयोजित कराई गई। अब यह चित्रकला सिर्फ शौक या परंपरा की नहीं रह गई है अपितु ये अर्थोपार्जन या यों कहें जीवन जीविका उपार्जन के लिए एक पर्याय बन चुका है, एक माध्यम बन चुका है। इस क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये कला विरासत में छोड़ती हुई चली आ रही है। अब यदि विशेषताएं की बात करें तो महिलाओं को पूर्णतः समर्पित इस चित्रकला की दो भाग है, पहला है भित्ति चित्र और दूसरा अरिपन। जरा गौर से सुनिएगा, यदि आप बिहार से संबंधित हैं तो अरिपन क्या होता है इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए पहले मैं बात करता हूँ भित्ति चित्र, गोसाई घर यानी कि पूजा घर की सजावट, तथा दूसरा कोहबर घर। कोहबर समझते हैं ना, जरा मैं आगे क्लियर करता हूँ। जब दूल्हे की शादी होती है तो जिस घर में वो पहली बार रहता है वो कोबर घर होता है। धार्मिक भित्ति चित्रों में दुर्गा काली, राधा कृष्णा, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, गणेश आदि का चित्रांकन मिलता है। चित्रांकन में शारीरिक स्वेष्टव और मांसल कामुकता उभारने के बजाय कलात्मक स्त्री पुरुष का सिर्फ संकेत दिया जाता है। याद रखिएगा, ये तो मेरे ख्याल से ये असली चित्रकारिता सॉरी यही है। प्रक्रियात्मक रूप से जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फल फूल के चित्र भी बनाए जाते हैं। कोबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। इसमें कामदेव, रति, यक्षिणियों के अतिरिक्त स्त्री पुरुष की ज्ञानेंद्रियां भी बनाई जाती हैं। पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए पशु पक्षी पेड़ पौधे का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने भी संकेतिक महत्व जो होते हैं उनके दिए जाते हैं, जैसे जैसे केला मांसलता का और मछली काम उत्तेजना एवं सम्मोहन का, बांस वंश बुद्धि का, सिंह शक्ति का, हाथी घोड़ा ऐश्वर्य का, हैश मयूर शांति का, सूर्य चंद्र दीर्घ जीवन के प्रतीक होते हैं। आंगन या फर्श या चौखट के सामने जो चित्रकारी की जाती है उसे अरिपन कहा जाता है। याद रखिएगा, लगभग हर अरिपन के पोछे तांत्रिक एवं आध्यात्मिक भाव निहित है। पोछे मतलब पीछे,
मैंने थोड़ी बिहारी शब्द का उपयोग किया, तो इसे आप मैनेज कर लें। पोछे मतलब पीछे। स्वास्तिक एवं दीप का चित्र तंत्र पर ही आधारित होता है। अविवाहित लड़कियों के लिए तुलसी पूजन के अवसर पर ज्योमितीय अरिपन बनाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर नैना जोगिन का चित्र भी तंत्रवादी अरिपन पर आधारित है। चित्रांकन में प्रयुक्त रंग मुख्य रूप से प्राकृतिक होते हैं। सेम के पत्ते से हरा रंग, हर श्रृंगार के फूलों से नारंगी रंग, हल्दी से पीला रंग, नील के पौधे से नीला रंग, दीपक के काजल से काला, गेरू से लाल, चावल से उजला रंग तैयार किया जाता है। है ना दोस्तों? चित्र उंगली या बांस की कूची से बनाकर बनाते हैं। मधुबनी, दरभंगा, बिस्पी, सिमरी इत्यादि इस लोक कला के मुख्य केंद्र हैं। सीता देवी, जगदम्बा देवी जैसी महिलाओं को पद्मश्री पुरस्कार इस क्षेत्र में प्राप्त हो चुका है।